हाई इवन कुछ स्टॉक्स है आप सभी के लिए उसे आप लोग देखिए प्राइस को रीड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से वो स्टॉक काम कर सकता है एंड मैं किस बेस पर आप सभी को बताया हूँ छोटा छोटा स्टॉप लॉस है और छोटा छोटा टारगेट आपको देख के चल रहा है शुरू के दिनों में क्या होना चाहिए कि अगर आप लोग चेक करते हो ट्रेड करते हो सीख रहे हो तो एक दो क्वांटिटी के साथ आप लोग इसमें देखो सबसे पहला है सबसे पहली बात है हम लोग बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में आप लोग देख सकते हो कि एक जो है ना कॉम्बिनेशन कैंडल बना हुआ है और इस लेवल से ब्रेकआउट दिया है ये इस लेवल को आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ से ब्रेकआउट दिया है और अब ये कॉम्बिनेशन कैंडल है जब यहाँ से ब्रेक करेगा छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा आपका और मिनिमम वन इज इक्वल टू टू थ्री फोर का यहाँ पर टारगेट आपको मिल जाएगा तो क्या होना चाहिए यहाँ पर आपका नाइन्टी सिक्स का लॉस होना चाहिए वन जीरो वन पर आपको इस लेवल पर जब रेड वाले को क्रॉस करेगा ऊपर की साइड में उसके बाद आपको ट्रेड लेना है उससे पहले नहीं लेना है याद रखिएगा जब रेड वाले को क्रॉस करेगा तो आपका टारगेट वन वन टू का हो जाएगा ये हो गया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का फिर हम लोग बात करते हैं गेल का गेल एक बेस्ट प्लेस पे अभी रुका हुआ है जब भी आपको मालूम है दो रेंज बनता है ऊपर और नीचे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो एक चीज़ कन्फर्मेशन आपको हो जाएगा कब वो ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट करने वाला है ब्रेकआउट करने के लिए उसको हाई लेवल पे जाके कंसोलिडेट करना पड़ेगा एंड ब्रेक डाउन करने के लिए उसको नीचे सपोर्ट पे जाने के बाद रेंज बनाना पड़ेगा या थोड़ा सा कोई कॉम्बिनेशन कैंडल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे और नीचे थोड़ी देर हॉल्ट करना चाहिए हम लोग वीकली चार्ट पे देख रहे हैं क्योंकि हमारा टारगेट वीकली है क्योंकि हम लोग स्टॉक्स देख रहे हैं छोटे छोटे स्टॉप लॉस पर हमें कैसे बड़ा टारगेट मिल पाए तो गेल में आप लोग एक चीज़ देख पाओगे कि काफ़ी दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ है रेंज ही ये जनवरी फरवरी 2021 से लेकर और अभी तक का ये रेंज है अभी एक बेस्ट प्लेस पे ये यह यहाँ पे देख रहे हो यह रुका हुआ है अभी इसका रेट वन 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 ट्रिपल वन का चल रहा है जैसे ही इस ग्रीन को कल के डेट में क्रॉस करता है मंडे को तो आप लोग क्या करोगे उसके ऊपर ही आपको एंट्री ले, ले लेना है वन वन टू पर और स्टॉपलेस बिल्कुल छोटा लगाना है वन जीरो एट के आसपास छोटा स्टॉपलेस होगा और टारगेट इसमें अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है इसमें दो तीन पैटर्न बन रहा है एक तो ये रेंज बन गया सेकेंड इसमें ये बन गया आप जैसे कि मेरे को दिखा है एक ये कप और ये हैंडल कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन गया तो हर लोगों का अलग अलग नज़रिया है अलग अलग तरीके से वो लोग ट्रेड करते हैं आपको क्या करना है आपको इसमें कप एंड हैंडल भी देखना है ऊपर का सप जो इसका रेजिस्टेंस है वो भी देखना है रेजिस्टेंस आप लोग देखो कि कितने बार यहाँ पे टच करके आ चुका है ये फोर टाइम फाइव टाइम सिक्स टाइम तो हायर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ब्रेकआउट करेगा हमारा टारगेट क्या होना चाहिए इसी का हम लोग टारगेट इस तरीके से रखते हैं और इसको यहाँ पर आप लगाओगे तो वन थ्री एट का टारगेट हमें देखने को मिल रहा है वन थ्री एट का तो वन थ्री एट का जब टारगेट यहाँ हमें देखने को मिला ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले जब हम यहाँ पे जब हमारा ट्रेड हमारे तरफ निकलता है तो हम स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट करेंगे उसके बाद हम लोग इसको छोड़ देंगे आ, कहीं ना कहीं हम लोग सीखने के बेस पे लेंगे और हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब स्टॉप लॉस लगाओगे और ट्रेड आपके तरफ चलेगा तो स्टॉप लॉस को आपको कॉस्ट टू तो कॉस्ट करना है जब भी वो वापस रिटर्न आता है तो आपको एग्जिट भी हो जाना है नंबर तीसरा है आ, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन पावर ग्रिड में क्या है बिल्कुल छोटा सा देखो यहाँ से इस लेवल से ये यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है टू टाइम एंड थ्री टाइम फिर फ़ोर टाइम यहाँ से ब्रेकआउट किया वापस नीचे आ गया फिर यहाँ से ब्रेकआउट किया अब ये ब्रेकआउट कर चुका है तो फोर फाइव टेन यहाँ से ब्रेक आउट कर चुका है अगेन रीटेस्ट करने आया है तो एक बेस्ट लेवल इसका ये सपोर्ट का बन सकता है जैसे ये छोटा सा ग्रीन कैंडल बना है इसके हाई को क्रॉस करता है 244 के आसपास है ये जैसे ही टू फिफ टू फोर्टी सिक्स के ऊपर रुकने लग जाता है तो आप लोग इसमें ट्रेड ले लोगे स्टॉप लॉस वही ग्रीन कैंडल का लो का रहेगा 240 के आसपास तो तीन से चार रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा टारगेट फर्स्ट आपका ये हाई का रह जाएगा जो आपका टू का है फिर हो सकता है कि टू भी है और हो सकता है इसके आगे भी निकल सा सकता है तो ये डिपेंड uh, करता है कि किस तरीके से यहाँ पे काम होने वाला है तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा नंबर चौथा एंड लास्ट है ओ एन जी सी ओ एन जी सी में क्या करना है कि एक छोटा सा इस मेन टारगेट देखने को मिल रहा है बस प्राइस को रीड करो प्राइस समझना आना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये पैटर्न बन रहा है बाय का और ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ पे जाके थोड़ा सा करेक्ट करेक्ट हुआ था बट बहुत ज़्यादा हुआ नहीं और फिर इसके ऊपर निकल रहा है ये अब यहाँ पे देखो 165 के ऊपर ये निकल रहा है अब यहीं पर अगर सेम लेवल पे मार्केट ओपन होना चाहिए और 170 के आसपास ही हमें बाय करना 71 के आसपास जब इसके ऊपर क्रॉस करता है तो 176 का टारगेट रहेगा और इसके ऊपर निकलता है तो ऊपर भी टारगेट रहेगा बट एक छोटा सा दो तीन रुपए का स्टॉप लॉस है और छः सात रुपए का हमें टारगेट देखने को इसमें मिल सकता है ये चार स्टॉक्स को देखना है प्राइस को रीड करो खुद जाके चेक करो आप ये चारों स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करो और वहाँ पर रीड करो पढ़ो जैसे ही आप हो सकता है इसमें ट्रेड मत लो लेकिन एक बार इसको वॉच लिस्ट में ऐड करो और जैसे जैसे हम लोगों ने अभी बात किया उसके आधार पे आप लोग उसको देखो और वन वीक बाद चेक करो कि क्या क्या, क्या कौन काम कर किया है थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए वीकली एनालिसिस है ये इन सारे स्टॉक्स का आप लोग सीखो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड लव यू